देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बोला है फाइंड द एरिया, क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमें, किसका एरिया निकालना है हमें, शेडेड, हमें एरिया निकालना है शेडेड पार्ट्स का। बुक में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स। फॉर एग्जांपल हमें ऐसी एक फिगर दी हुई है, देखो ऐसे बच्चे, ठीक है, एक डब्बा दिया हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा है, ये हमें दिया हुआ है 15 मीटर है, ऐसे करके दिया हुआ है बुक में, ठीक है, और ये मैं दिया हुआ है 10 मीटर है, 10 मीटर, तो ये 15 है तो ये भी 15 है, ये 10 है तो ये भी 10 है ना, देख के मैं समझ में आ गया ये हमारा रेक्टेंगल की शेप में है। ये मैं दिया हुआ है 4 मीटर ये वाला, और ये मैं दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, और ये यहाँ पे है शेड, ऐसे शेड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया शेडेड पार्ट का। देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले फिगर को पहचानना है, आपको फिगर को, सोल्यूशन, फिगर क्या है, स्क्वायर है रेक्टेंगल, फिगर पता चल गई क्या फिगर है, रेक्टेंगल है। कैसे पता चला, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइडें बराबर नहीं होती, अगर ये 15 है ये भी 15 दिया होता तो हम समझ जाते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती, तो हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, विद साइड्स, ठीक है, 15 मीटर एंड 10 मीटर, ये आपने लिख दिया क्वेश्चन, आपने ये लाइन आपने लिख दी, समझ में आ गया हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये निकालेंगे कितना होता है, यहां पे निकालेंगे कितना होता है, एल इंटू बी होगा, ठीक है, एल क्या मेरा लेंथ ब्रेथ, ठीक है, 15 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, कितना हो गया 150 मीटर, दो बार है तो मीटर की पावर 2 हो गई, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे, आप अंदर वाले का निकाल लो, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स 4 मीटर एंड 6 मीटर, क्योंकि आपने ये लाइन लिख दी तो समझ में आ गया कि अब आप छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करते हो, एल इंटू बी होगा, एल कितना है 4, सॉरी ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये वाली लेंथ मानेंगे, ऊपर ब्रेथ मानेंगे, तो 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। जब भी आपको फिगर होगा ना तो ऐसा नॉर्मली क्या होता है, इसको लोग लेंथ मानते हैं, इसको ब्रेथ मानते हैं, एल बी एल एल ब्रेथ ब्रेथ लेंथ लेंथ, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ब्रेथ माना, इसको लेंथ माना, तब भी आपका आंसर तो सेम ही आना है यार, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतना नहीं सोचना। चलिए तो कितना हो गया बच्चों, 6 × 4 = 24 मीटर का स्क्वायर, ये दो निकाल लोगे। अब ध्यान दो, ये बड़े वाले का एरिया मैंने निकाल दिया, इस बड़े वाले एरिया में से अगर मैं छोटे वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला बॉक्स में हटा दूं, तो अंदर अंदर का जो शेडेड पार्ट है वो बच जाएगा, उसका मुझे एरिया निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बड़े वाले में से 150 मीटर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 24 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, सो 150 से मैं 24 चलेगा तो कितना आ जाएगा, 50 में से 25 गए तो कितना आता है, 25 बचते हैं, मगर यहाँ पे 24 है तो 126 मीटर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया, बड़े वाले में से अंदर का छोटा का ये हमने हटा दिया, कैसे हटाया, माइनस कर हटाया, तो शेडेड पार्ट का हमारा क्या आ गया, एरिया, कितना सिंपल है, बड़े निकालो छोटे निकालो छोटे का माइनस कर, तो बड़े से आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट, देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमें एक फिगर दी हुई है, देखो ऐसी दी हुई है, ठीक है, अच्छा ये फिगर भी मैं रेक्टेंगल की शेप में, आप कैसे समझोगे रेक्टेंगल की शेप में, जब आपको अलग अलग दे दे, ये आपको 50 मीटर दे दिया और ये आपको 40 मीटर दे दिया, तो हम समझ गए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये होता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है कि देखो इसमें एक ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, और ये हमारा शेड दे दिया है, और ये कितनी लाइन ले रहा है, ये है 5 मीटर, ये यहाँ पे कितना है 5 मीटर है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक लाइन बच्चों ऐसे जा रही है, ये भी शेड एरिया है, और ये कितना बच्चों हमारा 1.5 मीटर, हमें निकालना है इसका शेडेड पार्ट का, मतलब है शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप दोबारा से करेंगे, क्या करोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स कितनी है 50 मीटर एंड 40 मीटर इक्वल्स टू एल इंटू बी, मतलब
50 मीटर इंटू 40 मीटर, तो कितना आ गया 5 × 4 = 20 और 2 0, ये आ गया बच्चों। इसके बाद देखो, ध्यान दो बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ध्यान दो। अब आप इस, अब आपको शेडेड शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है ना, उसके लिए आपको क्या करोगे, देखो मान लो कि ये 50 है ऊपर वाला और ये 5 मीटर है, मतलब इस 50 में से ये 50 है मान लो, और ये लाइन ऐसे जाके नीचे, तो इतना हिस्सा कितना हो गया, ये इतना हिस्सा कितना हो गया, देखो ये वाला, ये हिस्सा कितना हो गया 5 मीटर का हिस्सा हो गया, ये पूरा कितना है 50 है, तो इस 50 में से 5 मीटर का हिस्सा निकाल देते हैं, तो कितना बचा 45 मीटर, ठीक है, तो ये मेरा 45 मीटर। इसमें जो है ये वाला, हमने ये वाला, ये वाली जो लाइन थी, ये मतलब इतना जो हिस्सा था, इतना हिस्सा वो हमने निकाल दिया, तो 45 मीटर बच गया, ठीक है। अब ऐसे आ जाओ, ऐसे जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मतलब साइड वाली जो लाइन है, ये 40 मीटर है पूरा, लेकिन इसमें से इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, ये कितना है 1.5, तो हम 40 में से 1.5 निकाल देते हैं, तो 38.5 बचा, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, ये 38.5, ठीक है, ऐसे हो गया, ये भी 38.5 है, ये भी 45 मीटर है। इसमें शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड पार्ट है, इसमें शेडेड पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार हम इसका एरिया निकाल लेंगे, समझो दोबारा से, पहले बड़े वाले का एरिया निकाला, सिंपल पूरे का एरिया निकाल लिया, पूरे का एरिया निकालने के बाद इसका इसका एरिया हटा दिया हमने, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, मतलब 50 में से 5 हटा दिया, 40 में से 1.5 हटा दिया, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड्स कितना 45 मीटर एंड 38.5 मीटर, ठीक है, कितना होगा एल इंटू बी, मगर ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे 50 मीटर माइनस 5 मीटर और यहां लिख दोगे आप 40 मीटर माइनस 1.5 मीटर, ठीक है, ये समझ जाएगी टीचर, ये जरूर ये लिख के आना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कैसे निकाला है, ठीक है। तो निकाल देते हैं 45 एल इंटू बी है ना, ठीक है, तो पहले लिखेंगे 50 मीटर, सॉरी ना 50 मीटर यार क्या कर रहा हूं मैं अभी, 45 मीटर मल्टीप्लाई 38.5 मीटर, तो कितना हो गया, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 38.5, ये हो गया मेरा 1732.5 मीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें निकालना होता है एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो वो क्या होगा, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करते हैं, बड़ा वाला माइनस, दिमाग लगाना थोड़ा सा बच्चों, देखो ठीक है, ये है मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यहां लगा देंगे, ठीक है, पहले वाले में मैंने यहीं पे लगा दिया, तो कैसे भी लगा दो, इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो फिर बताऊंगा, माइनस 1732.5 267.5 267.5, पीछे आंसर एक बार चेक कर लो, ये आंसर नहीं आ रहा, फिर आपको समझाऊंगा, निकल जा यार जल्दी से, वेरी गुड, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, बड़े वाले एरिया में से ये रबड़ मैंने क्या करा, मैंने जो है ये वाली जो लाइन, इतना 5 मीटर मैंने कट कर दिया 50 मीटर में से, और मैंने 40 मीटर में से 1.5 कट कर दिया, उसके बाद मैंने एरिया निकाला, मतलब कि मैंने जस्ट इमेजिन ये है एक 50 और ये कितना है 40, मैंने इसका निकाला, फिर मैंने एक छोटा सा निकाला, मान लो छोटा है, बस समझाने के बता रहा हूं, ये 45 था और ये 38.5 था, मैंने इसका निकाला, ठीक है, इसमें से फिर मैंने इस वाले में से अगर मैं ये वाला माइनस करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा, मेरा जो पार्ट था मेरा छोटा पार्ट, ये इसका एरिया बच जाएगा, मतलब इसका इसका एरिया इसमें शामिल नहीं है ना, तो इसमें से मैंने ये एरिया कट कर दिया, तो ये बड़े पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला एरिया मैंने कट कर दिया, तो इसका एरिया बच जाएगा, वो ये हो गया, ठीक है, चलिए रब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये हमें इसका क्या निकालना है, पेरिमीटर निकालना है। देखो बच्चों, ये प्रोटेक्टर क्या होता है, डी, जिसको बोलते हैं डी, ऐसा होता है ना डी, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन होती है और ये ऐसे हमारा डी होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर जो है ये हमारे तरीके से सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर मतलब मान लो ये पूरा सर्कल होता है ना, ये हमारा सेमी सर्कुलर है, हालांकि मेरी फिगर बन नहीं रही उस टाइप की, मगर समझ जाओ आप, ये डी है हमारा। डायमीटर कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, ये पूरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको करना है, आपको देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो आप लिखिए
पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कितना होता है? देखो बच्चों, इक्वल्स टू सर्कल का, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये क्या है? सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर का क्या होगा बच्चों? पाई आर होगा। अगर सेमी सर्कुलर का क्या होगा? एक तो हो गया पाई आर, क्योंकि तो सेमी मतलब हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ करो, लो इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ इसका 2 पाई आर, तो क्या हो गया? पाई आर। लेकिन जब प्रोटेक्टर की बात आती है तो इसमें ये जो है डी, ये डी है ना, डी को भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस डी, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी क्या होता है हमारा? पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर। और जो डी जो है, डी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 आर। डी क्या होता है बेटा? आर प्लस आर होता है, तो मतलब 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, या फिर पाई आर प्लस डी, इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। याद कर लो, ये कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं बोल तो देता हूं मगर मैं बना नहीं पाता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जो फॉर्मूले के पीछे के जो रीजंस होते हैं वो मैं शॉर्ट्स में बना के डाल दिया करूं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा। चलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी। बस आप अभी फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर प्लस डी। पाई मतलब 22/7, आर मतलब डी का आधा, ठीक है? तो ये डायमीटर है, तो इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? प्लस ये कितना है? डी, डी कितना है? 7 है। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, वनजा, तो 11+7 कितना हो गया? 18। ठीक है, किसमें आएगा हमारा आंसर? 18 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, लेकिन अभी आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला ये रहेगा, इसका आंसर जो मैंने निकाला है वही इसका आंसर आएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए रब करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला? डायमीटर ऑफ अ व्हील, मतलब 500 चक्कर में। देखो बच्चों, ध्यान से समझो, एक व्हील है, तो व्हील होता है हमारे सर्कुलर की शेप में, मान लो ऐसा व्हील होता है ऐसा, ठीक है, तो हमारा सर्कुलर की शेप में होता है। इसने बोला कि इसकी जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो कितनी है? 1.26 है, ठीक है? ये तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों? 1.26/2 है ना। डायमीटर कितनी होती है? आर प्लस आर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर, डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू आर। तो आर कितना होता है? डी के नीचे 2 लगा दो, ये हमारा आर हो जाता है, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ध्यान देना बच्चों, व्हील है और हमें मान लो ये डिस्टेंस है, हमें ये बताना है कि ये जो व्हील है जब ये यहां से चलना स्टार्ट होगी, ठीक है, ये ऐसे, तो मान लो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने 500 चक्कर इसने कंप्लीट कर लिए। तो बताइए ये जो व्हील है, ठीक है, ये व्हील यहां तक पहुंचने में, 1 सेकेंड, तो 500 में इसने क्या करा है बच्चों? मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको 500 चक्कर लगा लिए। देखो बच्चों, आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा ये पेन है, अब मैं आपसे बोलूं बताओ ये जो मेरा पेन है, ये पेन मेरा 10 मतलब कि 10 बारी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप क्या करोगे? आपने ऐसा रखा इसकी लेंथ ना, आपने मानो इसकी लेंथ है 5 मीटर, आपने कहा 5 मीटर, अच्छा 10 मीटर हो गए, अच्छा 15 मीटर हो गए, आप ऐसे चक्कर कर लोगे। तो आपने बोला कि भाई एक मतलब एक बारी में पेन जो है 5 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है? तो 500 बारी में कितना करेगा? 500 × 5 = 25 भाई इतना करेगा कवर डिस्टेंस, आपने ऐसे निकाल लिया लॉजिक लगा के। अब ध्यान दो, अब यहां पे तो पेन है नहीं, मतलब यहां पे जो चीज है वो सर्कुलर चीज है, ठीक है? तो मतलब सर्कुलर चीज में क्या होता है, मतलब ये कितना, देखो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, मान लो सर्कल है ऐसे, इस सर्कल को आपने ऐसा खोल दो, मान लो खोल दिया, मान लो सर्कल को मैंने खोला, ये ऐसा हुआ, फिर मैंने खोला, ऐसा हुआ, ऐसे खोलते 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 ऐसा लंबा बन गया सर्कल। अब मैंने यहां रखा, पेन वाला केस बन गया, 2 3 है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब इसमें सर्कल में जब भी सर्कुलर कोई चीज है और आपसे पूछा डिस्टेंस कितना कवर करा है, मतलब उसकी सर्कमफेरेंस हम नापेंगे। देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? ये पूरा इसका जो है, ये देखो मान लो ये ना, ये पूरा जो है एरिया, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, मतलब इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। देखिए आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन,
इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील, और व्हील हमारा क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, टू पाई आर, मतलब 2πr डालेंगे इस तरीके से। जब कभी भी सर्कुलर चीज के बारे में पूछा जाए कि सर्कुलर चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमेशा याद रखना सर्कुलर चीज डिस्टेंस कवर करेगी। हम कैसे नापते हैं, उसकी सर्कमफेरेंस से नापते हैं। बेसिकली वही है कि ये सर्कल है, इसको आप खोल दो एक लाइन बन जाएगा। इमेजिन करके देखो माइंड में, यहां से खोलो, कोई गोल चीज है उसको ऐसे खोलो ऐसे, तो इसी तरह बन जाएगा ना, ये है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, लेकिन जब सर्कुलर की फॉर्म में इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr से पता चल जाता है इसका कितना डिस्टेंस है। 2πr हमें ये बता देगा सर्कल का कितना डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7, और r कितना है मेरा, r है मेरा 1.26, ये मेरा r नहीं मेरा d है, तो r बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, r इक्वल्स टू d बाय 2, ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, मेरा क्या बन गया, r बन गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.26 पॉइंट ला दिया, तो कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ पे 2 0, ये तो आता सबको। अच्छा अब ये देखिए, ये हमारा 1 रेवोल्यूशन का है इतना, तो हमारा 500 रेवोल्यूशन का कितना होगा बच्चों, 1 का इतना, तो 500 का कितना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 का इतना है तो 500 का कितना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 कट गए, अब ये 2 से हमारा 1 कट गया, अब देखिए 7 से हमारा 126 है, 7 1 7 8 9 10 11 12 5 बच गया, और 6 पहले से है, तो 7 8 जा 56, ठीक है, तो नीचे सब कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5 1980 आ गया, कितना आ गया 1980 मीटर। डिस्टेंस किस में आता है हमेशा, या तो मीटर में, किस में दिया था इसमें, मीटर में दिया ना, मीटर में देगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में आएगा, 1980 आ गया। पीछे में आंसर तो चेक कर लेता हूं, 1980 मीटर आ गया, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। सर्कुलर चीज का जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो बेसिकली आपको उसका सर्कमफेरेंस, एक सर्कमफेरेंस की बात चल रही है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एक हमारी सर्कुलर रिंग है उसका हमें एरिया निकालना है। तो सर्कुलर रिंग हमारी कैसी होती है, ऐसी हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियाई बोलते हैं जब एक से ज़्यादा रेडियस को, एक से ज़्यादा रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियाई। तो ये होता है सिंगुलर, ये होता है हमारा प्लूरल, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो रेडियाई बन जाएगा, इसको रेडियाई पढ़ते हैं। आर 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, इसके अंदर दो रेडियाई हैं, अगर किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियाई है तो दो सर्कल होंगे, छोटी जाहिर सी बात है, तीन रेडियाई है तो तीन सर्कल होंगे, चार रेडियाई है तो चार सर्कल होंगे, मतलब अगर दो रेडियस है तो दो सर्कल, तीन रेडियस है तीन सर्कल, एक रेडियस है एक सर्कल, तो रेडियाई कितना होता है दो, 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, दो दे रखे हमें, हमें दो, तो एक 21 होगी एक 14 होगी, तो 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो एक ऐसे, ठीक है, तो मान लो एक ये है और एक ये है, 21 कौन सी होगी, भार वाले की होगी, किस पॉइंट से, ये 21 हो गई, 14 कौन सी होगी, इसी पॉइंट से, मान लो इसी पॉइंट से यहाँ तक, जैसे मान लो ये इस पॉइंट से यहाँ तक, ये हमारी कौन सी हो गई, 14 हो गई। तो हमें क्या बोला, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, अब इमेजिन करो रिंग कैसी होती है, आप फिंगर में रिंग पहनते हो तो रिंग कैसी होती है, खाली होती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिंग ऐसी होती है, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ से भरी होती है ऐसे, यहाँ से भरी होती है और बीच में से खाली होती है, तभी तो आप उसके अंदर अपनी फिंगर डालते हो, है ना, और साइड से कैसी होती है, भरी हुई होती है, राइट, इमेजिन करो आप ऐसी रिंग पहन रहे हो। तो इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग ना हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा एरिया, कितना सिंपल है। चलिए करते हैं इसको जल्दी से, ठीक है, चलिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई, हम लिखेंगे, देखो पहले आप देखो ऐसे बोलो, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कितनी हमारी, एक्सटर्नल रेडियस को मानो बड़ा आर, ये होगी हमारी 21 सेंटीमीटर, देखो पहले एक्सटर्नल लिखा है ना, तो पहले एक्सटर्नल होगी, ठीक है, और इंटरनल, और देख के भी समझ में आ रहा है भाई, एक्सटर्नल बड़ी होगी ना, एक ये वाली है और ये वाली है, तो बाहर वाले की बड़ी होगी रेडियस, बाहर वाला सर्कल बड़ा है, इंटरनल रेडियस को बोलेंगे हम छोटा आर, ठीक है, बस ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख दीजिए आप, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। अच्छा इसके बाद हम क्या बोलेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, हम निकालेंगे
एरिया ऑफ सर्कल विद आर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल विद आर, आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल विद एक्सटर्नल रेडियस, ऐसे लिखो, चलो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, अब आर क्या है इसमें बड़ा है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई, आर कितना है मेरा 21, कितनी बार है दो बार, 21, 7 थ्री ज़ा, तो ऊपर कितना बचा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, ये हो गया। और हमारा ये है ना, इसके पीछे लगा देना, चलो जब आंसर आएगा तब लगा देंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं इसको, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 1386 कितना आ गया बच्चों, 1386, किसमें था, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये समझ में आ गया। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल विद इंटरनल रेडियस, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते थे एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्या इजी रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, इसमें कम लिखना पड़ेगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल या फिर एरिया ऑफ सर्कल विद इंटरनल रेडियस, एक ही बात है। तो ये क्या माना, पाई, इसमें आर क्या माना है, छोटा आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर कितना है मेरा 14 मल्टीप्लाई 14, 7 × 2 = 14, तो 22 को इससे करेंगे 44 मल्टीप्लाई 14, 44 को 14 से कर देंगे, ये आ गया मेरा 616, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर, ये आ गए दो, अब आ गए, अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये लो, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, क्या हो जाएगा, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, मेरी जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1386 माइनस 616, या आप भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, 1386 माइनस 616 कितना आया 770, 770 ऐसे लिखना है इसको, सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे लगाना और एंड में यहाँ पे लगा देना, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 16, तो ये 16 है, तो ये भी 16, तो ये भी 16, बोला इसने फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं हाइट, तो हमें बेसिकली हाइट की लेंथ निकालनी है, हाइट कितनी लंबी, हाइट क्या होती है, यहाँ से एक लाइन खींचो, ये हाइट होती है, समझ में आ गया, ये क्या होती है, हाइट होती है। अच्छा अब देखो, अब ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती हैं, यहाँ से जब आप कोई लाइन खींचते हो ना हाइट, तो ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है, याद रखना ये ऐसा होता है, कोई जैसे मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यहाँ से जो भी लाइन खींचोगे ना वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये लाइन इसको, इस बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, याद रखना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऊपर से जब आप लाइन खींचोगे ना तो ये आपको दोनों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, जैसे ये 16 है, ये 16 है, तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, दोनों मिला के 16 हो गए, ये मान लो यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाली फिगर को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें AD की लेंथ निकालनी है, देखो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमने बोला लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना देना, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है ऐसे साइड में, ठीक है, ABC बार का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD इज द, ये लो जैसे इसने लिखा है वैसे लिख देंगे, ठीक है, AD इज द, और हमने बोला ये, ठीक है, और ये भी लिख देंगे, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी लिख देना यहाँ पे, BD बराबर है DC के, ये सब लिख देना,
लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में आ जाओ, या फिर ए डी सी में भी आप आ सकते थे, ए डी बी में आ जाओ या फिर ए डी सी में आ जाओ, एक ही बात है, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, डी बीच में आएगा क्योंकि 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल ए डी बी, हमने बोला ए बी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस की थ्योरम, स्पेलिंग क्या होती है बच्चों मैं भूल गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, देख लेना स्पेलिंग क्या होती है, अभी माइंड में नहीं आ रही, करने तो जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ऐसे हो गया। चलिए पाइथागोरस क्या होता है सर, जैसे मान लो कि ये एक हमारा 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने जो लाइन, इसके सामने जो साइड होती है ए सी, तो उसका स्क्वायर कर दो, वो किसके बराबर होती है, ये दो साइड के बराबर, ए बी इसका भी स्क्वायर प्लस बी सी इसका भी स्क्वायर, तो 90 था, इसके सामने क्या था हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए ए बी कितना है, वो तो मुझे निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ए डी कितना है बच्चों, ए डी मेरा कितना है, सॉरी ए डी मुझे निकालना था ना, ए बी तो मुझे पता है, ए बी कितना है बच्चों 16, तो लिख दो 16 का स्क्वायर, ए डी कितना है ये निकालना है, तो उसको ऐसे लिख दो, बी डी कितना है बच्चों, बी डी है मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करते हैं 16 × 16 ये होता है 256, और ये मेरा ये क्या है, ए डी का स्क्वायर, 8 × 8 = 64, ये और ये सेम है तो बॉर्डर पार करा दो, 256 − 64 = ए डी का स्क्वायर, 256 में से 64 को मुझे माइनस करना है, −64 मेरा आ गया 192, कितना आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ 192 = ए डी का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, मुझे ए डी निकालना था, ए डी स्क्वायर नहीं निकालना था, तो ए डी निकालेंगे, तो ये स्क्वायर को बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, अब इसको इससे बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालते हैं सर, देखिए जिसको नहीं आता वो ऐसे कैसे निकाल ले, टू का इसका पहले एलसीएम ले ले, 2 × 9 = 18, 1 कैरी, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, और 1 कैरी, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 12, 2 × 6 = 3, 3 × 1, ठीक है, अभी देखता हूँ पीछे आंसर क्या आ रहा है मेरे से, गलती लग रहा है मेरे को, सही आ रहा है, चलो सही चल रहे, ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 2 और हो गया हमारा 3, 6, 2 और 3, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, ऐसे यहाँ से करना है, इसके बाद क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2, 2 का पेयर बनेगा, ये 2 है ये बाहर आ गया, 2 का बाहर आ गया, ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, क्या बच गया 3, तो ऐसे लिख देंगे 3, किस में चल रहा है हमारा, सेंटीमीटर में चलेगा, क्योंकि अब ये साइड हमारी सेंटीमीटर में आती है, क्या दे रखा है इसमें, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चलेगा, ठीक है, तो ए डी कितना हो गया हमारा बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8√3 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट है मैं समझ सकता हूँ बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले इसके ट्रायंगल बना लेना है, ये सब लिख देना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये जो होती है हाइट, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है और ये हाइट डिवाइड करती है लाइन को, ठीक है ना, इस तरीके से होता ही हमारा, बस ये लिख देना है, पाइथागोरस लगा देना है, पाइथागोरस की स्पेलिंग देख लेना है, मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी, सॉल्व कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, कोई बात नहीं, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ट्रैक, एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर मान लो एक ट्रैक हो गया, सर्कुलर ट्रैक हो गया, उसकी जो इसकी जो इनर सर्कमफेरेंस है, जब इनर की बात आ जाती है तो समझ जाओ कि इसमें 2 हैं, तो मतलब 2 हो गए, इनर अगर किसकी बात आ जाए, रेडियाई की बात आ जाए, इनर लिखा हुआ आ जाए, एक्सटर्नल लिखा हुआ आ जाए, तो इनर अंदर का बाहर का समझ जाना, ठीक है जी, इसके इनर सर्कमफेरेंस मतलब इस वाले की जो सर्कमफेरेंस है ये कितनी है बच्चों, सर्कमफेरेंस 220 सेंटीमीटर, जो मीटर सर्कमफेरेंस कहते हैं पेरीमीटर, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे ना ऐसे, इस मान लो यहाँ पे खड़े हो आप, यहाँ से चलो ऐसे पूरा चल के वापस यहाँ पे आ जाओ, तो मतलब कितनी लाइन चली आपने, 220 मीटर लाइन चली, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, बेसिकली ये आपकी फिगर है, यहाँ से चलो पाँच, मान लो पाँच है, ये पाँच है, ये पाँच है, 5, 10, 15 यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, कितनी लाइन चली, 15 लाइन चली, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये सर्कुलर की फॉर्म में आ जाता है तो हम बोल देते हैं ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस, फिर हम इसको पेरीमीटर नहीं बोलते, है ना,
सर्कमफेरेंस, मगर एक ही बात है समझ जाओ, 220 मीटर हो गया। ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से जो चौड़ा है ना ये ट्रैक, ये 7 मीटर है। कितना है? हर जगह से 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है। मान लो ये सेंटर है, और याद रखना जब कभी भी दो सर्कल होता है ना ऐसे, एक सर्कल दो सर्कल या तीन सर्कल या चार सर्कल, सबका जो सेंटर है सेम होता है। इसी सेंटर से आप ये सर्कल बना सकते हो, इसी सेंटर से ये बना सकते हो, ठीक है, आपको पता होगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलॉन्ग आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 पर मीटर। हमें क्या निकालना है, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, हमें यहाँ पे क्या लगानी है, हमें यहाँ पे बेसिकली मान लो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे वो लगानी है ये फेंस। ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना पार्क वगैरह में होता है तो वो गोल गोल सी ऐसे लगा देते हैं, देखो तो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे 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 कांटे से लगा देते हैं ताकि कोई चोर ना सके, मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से। या कोई अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे लगे होते हैं, राइट, ताकि कोई घुस ना सके, तो वो हमें लगाना है। आउटर सर्कल पे लगाना है, आउटर सर्कल पे एट द रेट ऑफ इतने पे, मतलब पर मीटर के पैसे 2 रुपये लगेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लिखना है सोल्यूशन। भूल जाओ कि आप समझ लो आपको कुछ नहीं आता, सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन। क्या कह रहा है ये, इनर सर्कल ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर, इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो लिखेंगे आप, हम लिखेंगे इनर सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब पूरा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल, कितना है 220 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सब भूल जाओ, ये लिख लिया इनर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एक सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, याद रखना, ठीक है, 2πr। तो 2πr किसके बराबर हो गया, 220 मीटर। तो 2 क्या है, 2 है, पाई क्या है, पाई पाई है, आर क्या है, आर तो मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता तो ऐसे लिख दो, कितना है 220 मीटर। समझ आया, इसको यहाँ पे भेज दो, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 220, ये बॉर्डर पार करेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। आर को यहीं पे छोड़ दो, 220 मल्टीप्लाई 7 है, इन दोनों को बॉर्डर पार करा दो, तो बॉर्डर पार करके नीचे आ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए 22 वन ज़ा और 0 ज़ा, और 2 5 ज़ा, 5 7 ज़ा 35, किस में आएगा, रेडियस है तो रेडियस किस में आती है हमेशा, अगर मीटर है तो मीटर में आएगी, रेडियस हमेशा मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी, मतलब कभी भी स्क्वायर भी नहीं आएगी बेसिकली, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आर, कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया, चलिए रब करता हूँ। रेडियस कितनी आई हमारी, 35 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे इनर रेडियस। इनर रेडियस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनर सर्कमफेरेंस थी, जब हम इनर सर्कमफेरेंस की बात करेंगे जब रेडियस आएगी तो वो भी इनर रेडियस आएगी। अच्छा अब देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया हमारा 35, रेडियस यही होती है ना, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी हिस्से को टच कर दो, कितने हो गए 35। और ये कितना था बच्चों, ये 7 है, 7 मीटर, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया 42, तो 42 क्या बना, आप ध्यान देना, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, मतलब ये पूरा कितना हो गया 42। अब ये पूरा क्या हो गया, अब ये मेरा पूरा हो गया, क्योंकि ये सेंटर से ये इसको टच कर रहा है, तो बाहर वाला जो मेरा ये सर्कल है अब ये मेरी इसकी रेडियस मानी जाएगी। अब ये 42 मीटर मेरी किसकी रेडियस हो गई, अब ये मेरी एक्सटर्नल रेडियस बन गई। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ, एक्सटर्नल रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस प्लस वाइड, मतलब कितना वाइड है ये, इनर रेडियस प्लस वाइड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेडियस, और इनर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल रेडियस माइनस वाइड, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको एक्सटर्नल की रेडियस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है ये वाला, और इंटरनल की निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इनर, और ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया, आउटर बन गया। समझ में आ गया, क्योंकि आउटर वाले सर्कल को टच कर दिया उसने तो आउटर बन गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे लगाना, मुझे यहाँ पे लगाना है कुछ ऐसे ऐसे लगाना है, तो मतलब मुझे इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ के अकॉर्डिंग तो मैं लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा, जाली वाली जो भी लगाऊंगा भाई, लेंथ के अकॉर्डिंग तो लगाऊंगा ना, तो इसकी मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे आउटर सर्कमफेरेंस, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2πr, ठीक है। अब क्योंकि वो बड़ा आर है तो उसको हम ऐसे लेंगे बड़े आर को, ठीक है, और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनर रेडियस है ना, तो यहाँ पे मैं भूल गया, निकाल लेता हूँ आउटर रेडियस को बड़ा आर बोला है मैंने, क्या हो गई हमारी 35 प्लस 7 इक्वल्स टू 42 मीटर, ये लिख देना, ठीक है। चलिए 2, ये कितना मेरा 42, 7 6 6 12 22, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 20
टू मल्टीप्लाई 12, कितना आंसर आ गया 264। मीटर में आएगा या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा? मीटर में आएगा, क्यों? सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर हमेशा मीटर में आता है या सेंटीमीटर में आता है, एरिया आता है हमारा स्क्वायर में, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना, पता चल जाएगा। पता कैसे चलता है सर? देखो, 2 2 बाय 7, ये क्या हमारा 42 क्या था? मीटर। तो इसमें तो पूरी पूरे क्वेश्चन में एक ही बार मीटर है, तो एक ही बार मीटर आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपका आंसर पीछे एक बार, सही आया गलत आया। 6 है ना, 6 है भाई, 6 6 6, 528 आ रहा है बच्चों हमारा, 5। ओ, अभी तो हमें और सॉल्व करना है ना, अभी तो हमें और सॉल्व करना है। ये हमारा क्या आ गया? ये तो हमारी आउटर सर्कमफेरेंस आ गई, कितने आ गए? 264। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस। हमें 264 मीटर, मतलब इतने ही लंबा हमें वो जाली वाला लगानी है। इसने बोला है पर मीटर, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो इसने बोला, यहाँ पे देखो, अब इसने बोला 1 मीटर पे भैया लगेंगे आपके 2 रुपये। पर मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर पे लगेंगे आपके 2 रुपये। तो बताओ इतने मीटर पे कितने लगेंगे? तो मैंने बोला 264 मीटर पे लगेंगे भाई हमारे रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई 264, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 बन गया, 2 2 ज़ा 4 8 5, 5 28। अब ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्यों रुपीज़ में क्यों आएगा सर? रुपीज़ में इसलिए आएगा क्योंकि अब हमने निकाली है कॉस्ट। ये हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ इतने मीटर। ये समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ जी। तो इसकी लेंथ कितनी आई है? लेंथ, ये लेंथ है हमारी 264। इस पूरी लेंथ है 264। 1 मीटर की अगर लेंथ होती तो 2 रुपये लेता। तो बताओ 264 मीटर की लेंथ है तो कितने रुपये लेगा? इतने रुपये लेगा, 5 5 28, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको भी। देखिए जी, क्वेश्चन 7 है। फ्रॉम अ सेमी सर्कुलर रीजन ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, अ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये जो ट्राइंगल ए बी डी इन विच ए बी इतना है, बी डी इतना है, इज रिमूव्ड। तो हमने इस पूरे ये जो हमारी फिगर है ना, इसमें हमने ट्राइंगल ए बी डी को हमने रिमूव कर दिया। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग फिगर। तो बताओ रिमेनिंग फिगर का पेरीमीटर कितना आएगा? देखो पहले ये है ना, जब आप इसमें से ए बी डी को रिमूव करोगे तो क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ये बचेगा, ठीक है। तो आप इसको, आपको इस पूरे का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले ये दो फिगर हैं इसमें, एक फिगर है हमारी इसमें सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर, एक है ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, देखो सेमी सर्कुलर है, ट्राइंगल है, तो आपको निकालना है सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कुलर का सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी। याद रखना, सर्कमफेरेंस की क्या होती है सर्कल की? सर्कल की होती है, वन सेकेंड, सर्कल की होती है 2 पाई आर। सेमी सर्कल है तो हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो पाई आर बचा। और इसमें डी भी इन्वॉल्व होता है सर्कल के अंदर, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले वापस यहाँ पर आ गए, ये हो गई पूरी लेंथ। लेकिन जब हम सेमी सर्कुलर की बात करते हैं, सेमी सर्कल की बात करते हैं, तो मान लो ऐसे है ऐसे है, तो आप यहाँ से चलोगे इतनी लेंथ हो गई, और ये भी तो है ना साथ में, ये भी तो इन्वॉल्व है डायमीटर, तो इसलिए डायमीटर ऐड कर देते हैं। सर्कल में डायमीटर ऐड नहीं होती, ठीक है। सर्कमफेरेंस बेसिकली क्या होती है? पेरीमीटर, मतलब पूरी लेंथ उसकी। तो ये होता है, तो पाई की वैल्यू हम डाल देंगे, हमारे पास आर भी नहीं, हमारे पास डी भी नहीं है, ठीक है, तो हमें डी निकालना पड़ेगा, मतलब हमें ए डी निकालना पड़ेगा। और ए डी कैसे निकलेगा? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जैसे ये ट्राइंगल है मान लो, हमारे पास ये 3 है, ये 4 है, तो ये कैसे निकलेगा? ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है सर? क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, समझो। जब कभी भी एक सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल ऐसे एक सेमी सर्कल होगा, तो उसमें यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे और वो ट्रायंगल इसको टच करेगा, जैसे मान लो ऐसे टच किया तो 90 होगा, ऐसे बनाओगे ये भी 90 होगा, ऐसे बनाओगे ये भी 90 होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे बनाओगे ये 90 नहीं होगा क्योंकि इसने इसको टच नहीं किया, तो अगर टच करेगा ना तो ये 90 होता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए पहले आपको डी चाहिए, राइट? तो हम निकालेंगे डी, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको समझ में आ गया मेरे पास डी तो है ही नहीं, तो मुझे तो पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे? अब आपको करना है इन ट्राइंगल ए बी डी, इसका नाम क्या लेंगे? ए बी डी, ए बी डी बोलो या डी बी ए बोलो, बी बीच में आएगा बस, क्यों? क्योंकि बी पे बन रहा है 90 डिग्री। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आप पहले फॉर्मूला लिखो कि हाँ भाई मुझे इसमें सेमी सर्कल का निकालना है,
सरकमफेरेंस, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब मेरे माइंड में आ गई, देख अगर आपको पहले से फिगर को देख के क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ से करो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बेसिक जो स्टेप्स हैं, अच्छा मुझे ये निकालना है तो वो लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ठीक है, चलिए हमने ट्राइंगल एबीडी लिख दिया, हमने लिख दिया एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये लिख दिया आपने। अच्छा अब बोलो, अब हम बोलेंगे देखिए ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। रीज़न क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पी टी लिख दिया मैंने, आप देख लेना पूरी इसकी फुल फॉर्म क्या है पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो पूरी फुल फॉर्म आप इसमें लिख देना, मेरे माइंड में अभी आ नहीं रही है तो मैंने नहीं लिखी है इसमें। ठीक है, चलिए बता देता हूँ आपको यार क्या होती है, आप भी बोलोगे कि सर को ना स्पेलिंग वगैरह आती नहीं है, पढ़ाने बैठ गए हैं आप सर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बस होल्ड करो। ठीक है, मेरा रजिस्टर कहाँ है, गिरा पाइथागोरस, ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, जैसे कोई भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 मान लो, ए बी सी, 90 के सामने जो साइड होती है ना उसका स्क्वायर बराबर होता है जो बाकी जो दो दो बची हुई साइड हैं, बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, प्लस बी सी बोलो या सी बी बोलो, ये होता है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 90 के सामने क्या है, ये है। ठीक है, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, 90 के सामने क्या थी ए डी, तो ए डी का स्क्वायर बाकी दो बची उनका स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है। 90 के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हो गया। तो ए डी हमें निकालना है तो इसको निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। बी डी कितना है बच्चों, बी डी देखो, बी डी बी डी चार है, चार का स्क्वायर प्लस बी ए कितना है तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 9 इजकल टू 25। ठीक है, तो मुझे निकालना था ए डी, निकालना ए डी का स्क्वायर ही निकालना, तो स्क्वायर को बॉर्डर पार कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 5। अब इसको इससे बाहर निकालना होता है हमें, तो ये दो का पेयर बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 5 आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारी 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे बड़ी है ना, ये 5 है, 3 है, 4 है, लॉन्गेस्ट साइड होती है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या होती है बच्चों, पाई आर प्लस डी। ठीक है, तो पाई मतलब 22/7, आर क्या होता है डी, डी के नीचे 2 लगा दो आर बन जाता है, डी कितना है मेरा अभी आया 5, तो इसके नीचे लगा देंगे 2, क्या बन जाएगा मेरा आर प्लस डी कितना है मेरा 5। ये समझ में आया, अब देखो 2 से कट गया 11 आ गया। ठीक है, तो 11 को ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, और नीचे कितना है मेरा 7 प्लस कितना है 5, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 7, ऊपर क्या है मेरा 55 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, ऐसे ही करते हैं, 7 का टेबल बढ़ेंगे कि 7 आ जाए 1 बार, 1 का बढ़ेंगे 7 आ जाए 7 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 55 प्लस 35, नीचे कितना है बच्चों 7, 5 × 5 = 10, 1 कैरी 5, 6, 7, 8, 90, 90/7 आ गया। ठीक है, 90/7 आ गया ना, तो अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें इसको, 90/7 बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको यही लिखते हैं 90/7, कितना हमारा ये सेंटीमीटर, ये आ गई मेरी। अच्छा अब देखिए 90/7 हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं 90/7। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए, अब आप निकालोगे पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग फिगर, देखो कैसे निकालोगे बच्चों, पहले आप लिखोगे 90/7, ये लो 90/7। ठीक है, 90/7 लिख दिया, अब इसमें से मेरे को क्या करना है, इसमें से मैंने देखो मुझे किसका निकालना है, ये था मैंने ये मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ से मैंने हटा दिया, उड़ा दिया मैंने ये ट्रायंगल, मैंने उड़ा दिया पूरा। तो जब मैंने ट्रायंगल उड़ा दिया तो बच्चे इसमें क्या क्या बचेगा, देखो इसमें क्या क्या है, मुझे इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा ये जो मेरा पूरा का मैंने एरिया निकाल लिया इतना 90/7। अब इस पूरे में से 5 मैं माइनस कर देता हूँ, -5 ये जो था ऐसे मैंने ये हटा दिया क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं है, कर दिया -5 इसमें।
अच्छा इसमें और क्या शामिल, उसमें और क्या शामिल है, माइनस पाँच कर दिया प्लस, देखो चार और तीन ये भी तो आ रहा है ना, तो चार प्लस तीन ये मैंने ऐड कर दिया, समझ में आ गया। दोबारा देखिए रिमेनिंग फिगर का पैरामीटर निकालना, ये है रिमेनिंग फिगर। अब इस बड़े वाले में से मैंने पहले तो ये जो था ऐसे ये मैंने हटा दी लाइन, तो मैंने हटा दी तो पूरा हट गया, ये हट गया पूरा ऐसे हटा दिया। अब ये चार है ये तीन है ये इसके अंदर एडिड है, रिमेनिंग फिगर में एडिड है तो ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा देखो 90, यहाँ पे 7 था एलसीएम आया 7 माइनस 5 ये ऐसे आएगा बच्चों, ये हो गया मेरा 7। तो 7 के टेबल पढ़ेंगे 1 बार, और यहाँ पे 1 मान लो, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार, ठीक है बेसिक है भाई ये। 90 माइनस 35 अपॉन में 7 प्लस 7, यहाँ कर रहा हूँ 90 में 35 गए 55 अपॉन में 7 प्लस 7, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, तो 55 ब्रैकेट प्लस 7 ब्रैकेट, 7 का पढ़ेंगे 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 7 बार, तो कितना आ गया बच्चों 55 प्लस 49 अपॉन में 7, तो यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है, चलो यहाँ पे करता हूँ 55 कितना था हमारा 55 और 49, 55 को 49 से प्लस करो, 9 4 14 का 4 1 5 6 10 104, कितना आ गया 104, तो 104 अपॉन में नीचे कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। आपने क्या कर दिया इस देखो इस फिगर में क्या ट्रायंगल है, इसमें बोला ट्रायंगल को रिमूव कर दिया, इस फिगर में ट्रायंगल है नहीं, हमने कैसे करा, हमने पहले तो पूरे सर ये जो पूरा सेमी सर्कल था इसका हमने निकाल लिया क्या पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस बोला, उसके बाद हमने इस लाइन को हटा दिया यहाँ से, तो ट्रायंगल जड़ गया पूरा हमारा, तो ये लाइन इसमें शामिल थी, हमने इस तरीके से निकाल दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व। आंसर चेक कर लेते एक बार इसका 104/7, हाँ जी बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है।